चलिए साथियों, आगे का देखिए क्या है। देखो, अब हमें देखना है Fe H2O6+। अब किसी केस में, कभी कोबाल्ट के केस में पानी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड भी था, अब वीक लाइगेंड बन गया है। यही दिक्कत थी VBD के साथ, जैसा वो बोलती थी वैसा करना पड़ता था। इसको फिर रेक्टिफाई करा किसने? आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने। ठीक है, तो देखिए आप पे क्या है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X+6×0=+3K। तो X की वैल्यू आ गई आपकी +3। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब ग्राउंड स्टेट निकालते हैं किसकी? आयरन की। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं किसकी? आयरन की। कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। आयरन आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 26, आप पे होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 ये आप पे होगा। बोलो हाँ है ना? देख लो 20, 6, 26। इससे मतलब है हम एक और काम करते हैं, क्योंकि वीक है तो 4p भी खोल देते हैं और 4d भी खोल देते हैं। अब तो हमें अंदाज़ा हो गया है ना, बना देते हैं इसे। इसको नहीं बनाते, फिर बनाना है तो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ बना लेते हैं 3d, 3d 1, 2, 3, 4, 5। 3d के बाद बना लेते हैं 4s, 3d के बाद बना लेते हैं 4s, यहाँ बना लेते हैं 4s, फिर बना लेते हैं 4p, फिर बना लेते हैं 4d, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बना लेते हैं 4d। ठीक है, d खाली है, p खाली है, f पे 2 हैं, d पे 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। अब Fe+3 देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब 23 हो गया एटॉमिक नंबर, ये नहीं होता। +3 है मतलब 2 यहाँ से उठाएंगे, 1 यहाँ से नहीं, पेड़ से उठाएंगे। ठीक है, पेड़ से उठाया तो वहीं बनाना है, चलो बना लेते हैं यहीं पे। तो Fe+3 का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4s है, 4p है और 4d है, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी क्या है, अब एक सिंपल सी बात है इसमें भी, कि 4s सारी खाली हो गया, यहाँ से 1 जाएगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5 कहलाएगा। एक ही तो गया है ना यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से। अब अंडर वीक लाइगेंड, इसके लिए वीक है, कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो फोर्स पेयरिंग, कोई फोर्स पेयरिंग नहीं होगी अनपेड इलेक्ट्रॉन की, नो फोर्स पेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई फोर्स पेयरिंग नहीं होगी अनपेड इलेक्ट्रॉन की। तो होगा क्या, जब हम बनाएंगे क्या Fe H2O6 काउंटर आइन कुछ भी लगाओ, 3Cl लगा देना या Cl3 या 3+ आ जाएगा। तो होगा क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा D वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही रहेगा। इसमें 1 पानी आएगा, इसमें 3 पानी आएंगे और इधर 2 पानी आएंगे। ठीक है, तो 1 H2O का लोन पेयर इधर आ गया। ठीक है, या आप ऐसे बना लो, 1 H2O यहाँ है, इसका क्रॉस यहाँ आ गया, यहाँ पे 3 H2O आ गए। ठीक है, इनके 3 लोन पेयर होंगे, 1, 2, 3। वैसे मैं 3 बनाना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, बनाना चाहूँगा, चाहे छोटा बने पर बनाएंगे ज़रूर। H2O का एक लोन पेयर ये रहा कनेक्टेड, 1 H2O का लोन पेयर ये रहा कनेक्टेड, एक और H2O का लोन पेयर इधर रहा कनेक्टेड, एक और H2O का लोन पेयर इधर रहा कनेक्टेड। तो ये हो गए 4 और 2 और, क्योंकि देखो पेयरिंग नहीं होगी, फोर्स पेयरिंग नहीं हो पाएगी, वाटर वीक लाइगेंड है, तो 4 ही हो गए। 1 H2O का लोन पेयर इधर पेयरिंग, पर कहीं भी कर सकते हैं, पर पास पास करे करो आप, ऐसे कोई बात नहीं, बीच में गैप देके भी कर सकते हो, ये हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पेयरिंग हो जाएगी हाइब्रिडाइज वाली, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो आप पे क्या हुआ, 1s है, ठीक है, 3p है और d 2 हैं, d 2 ही तो होंगे, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो 3, 4, 5 है, sp3 d2 आ गया। नंबर ऑफ़ एनपी इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है यहाँ, 5 हैं,
मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं अंडर रूट एन, पाँच पाँच प्लस दो, पाँच प्लस दो सात, ये हो गया साइन फाइव 35 रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन, इसका हो गया रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन। फिर इसके बाद क्या हुआ, सिंपल सी बात है, एन पाँच आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। देन इसके बाद आप ये देख लो कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात, ये हाईली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इतना ज़्यादा बोहर मैग्नेटॉन आया तो हाईली पैरामैग्नेटिक होगा, हाइब्रिडाइजेशन आप इसकी बोल सकते हो। फोर एस यूज़ हुआ, फोर पी यूज़ हुआ और फोर डी ही यूज़ हुआ, तो sp3d2, मतलब ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यह आया आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वीक लाइगेंड में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बन रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं हर समय, आज बन गया ठीक है खुश रहो, यह हमारा बन गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम का देखते हैं। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंगनीज क्रोमियम, क्रोमियम मैंगनीज फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, पता है ना 24 होता है, 24 ही होता है ना, नहीं फॉर्मेशन ऑफ CR NH3 होल 6 3+। क्रोमियम कैसा है, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, देखो खुद क्या है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो ये होगा आपका वीक, ठीक है। यहाँ पे भी बनाएंगे CrNH3 होल 6 है, इसको भी क्या मानेंगे, वीक मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसकी, क्रोमियम की, कैसे निकलेगी, क्रोमियम के एक्स मानो 6 × अमोनिया के 0 और यहाँ आ गया +3, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई +3, तो 3+6 जाएगा ये। क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, क्रोमियम होता है 24, कौन सी लिखोगे, 4s1 3d5 वाली लिखोगे या 4s2 3d4 वाली, बताओ 4s1 3d5 वाली लिखोगे ना, है ना, जो होती है वही लिखना, यहाँ पे वो छेड़खानी नहीं करेंगे, वो वहाँ होती थी बच्चे, वो पीरियडिसिटी में होती थी, यहाँ नहीं होती वो, ठीक है, वो होती थी आयनाइजेशन एनर्जी, इन सब में यहाँ नहीं होगी। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4s1 3d4 आएगा, ठीक है। बाहर का भी खोल लेते हैं, 4p भी खोल लेते हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से क्योंकि ये 6 का ही है तो 4d भी खोल लो, वैसे d की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 6 है, देखते हैं। चलो ये हो गया, ये ग्राउंड स्टेट हो गई, इनको बना लेते हैं, d के यहाँ बना लेता हूँ 5 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, इधर होगा 4p और यहाँ आ जाएगा 4d, 1 2 3 4 5 4d, तो 4s1 3d4 है, 1 2 3 4, यह है। अब यहाँ पे बेरिंग कैसे होगी, क्या एक लोन पेयर ऐसे रह जाएगा, ये आपको देखना है, ठीक है, बट ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब सारे अनपेयर्ड हैं, तो इनसे ही निकलवा दो। अब पेयर तो है नहीं ना कोई, तो अब सारा हमला किस पे होगा, अनपेयर्ड पे होगा, पेयर नहीं है ना अब कोई, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट हो गई, अब कोई पेयर दिख रहा है आपको, कोई पेयर नहीं है, सारे कैसे हैं, अनपेयर्ड है, कैसे हैं, अनपेड है ना सारे, तो एक आप येलो उड़ा दो और दो यहाँ के उड़ा दो, अनपेड है ना, तो देखो क्या बना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 4s 4p, मेरे हिसाब से यहीं पे बात बन जाएगी, 4p और 4s, 4d बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि सारे ही अनपेड हैं तो कोई भी तीन उठा दो, 3+ तक जाने, तीन उड़ाने पड़ेंगे, तो 1 और 1 2 ये रहने दिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला मैंने उड़ा दिया। अब पेयर्ड नहीं है ना, पहले कहाँ हमला करते हैं, पेयर्ड में, फिर उसके बाद अनपेयर्ड में अगर जरूरत हो, पर यहाँ पे तो सारी अनपेयर्ड है, तो तीन उड़ा दिए मैंने, एक एस के और दो उसके। अब सिंस NH3 इज वीक लाइगेंड हेयर, या NH3 क्या होगा, वीक लाइगेंड होगा यहाँ पे, तो होगा क्या, इंट्रैक्शन बना लेते हैं किसकी, CrNH3 होल 6 3+ की, कैसी होगी, ठीक है, दिखा देता हूँ, 3d बड़ा सा बना ले, थोड़ा इतना,
एक दो तीन चार पाँच, फिर एम पे 4s, फिर एम पे 4p, यहाँ पे 3d, यह है 4s, यह है 4p, ठीक है। और सिंपल सी बात यह है, 3d में दो हैं, बाकी ये यूज़ होगा, ये चार हो गए, पाँच छः, ये दो यूज़ होंगे। तो यहाँ पे NH3 के लोन पेयर आ जाएंगे, कैसे देखो, NH3 है, ऐसे बनाने तो ऐसे बना लो, थोड़ा ऊपर NH3 है और यहाँ इसके लोन पेयर आ गए, NH3 है और यहाँ इसके लोन पेयर आ गए, NH3 है और यहाँ इसके लोन पेयर आ गए, NH3 लोन पेयर, NH3 लोन पेयर, NH3 और लोन पेयर। तो आप ये देखें, डी अंदर वाला यूज़ होगा, एस बाहर वाला, पी वाला हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्या डी अंदर वाला, एस कितने, डी कितने हुए, डी तीन यूज़ हो गए, हाँ यार डी तो यहाँ तीन यूज़ हो गए, वैसे डी दो यूज़ होने चाहिए थे, जाने थे पाँच होने चाहिए ना ये, ओहो मैंने यहाँ गलती कर दी, अभी ये 24 कहाँ हो रहा है, अभी ये तो 23 हो रहा होगा, 6 7 8 9 10 16 17 18 19 19 और 4 23, तो इसे 3d5 करना, फिर यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है, तो ये तीन हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही चलेगा, तो यहाँ पे एक और ये आएगा, और यहाँ पे एक और, एक दो तीन चार पाँच छः, एक NH3 यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये बुढ़ापा आ गया, बताओ फिर। तो डी का एक हुआ अंदर वाला, ऐसे एक हुआ, पी तीन हुए, डी के दो हुए, ऐसे एक हुआ, पी तीन हुए, हाइब्रिडाइजेशन D2SP3 आ गई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब देखो, इनर होके भी ये कैसा है, अनपेयर्ड है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, अनपेयर्ड तीन है, नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ, तीन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया, अंडर रूट तीन, और तीं प्लस दो पाँच, अंडर रूट एन एन प्लस टू, पाँच तीया 15 बोहर मैग्नेटॉन, ऑब्वियसली हाईली पैरा मैग्नेटिक है, तीन भी बहुत बड़ी बात है, तो ये कैसा होगा, हाईली पैरा मैग्नेटिक होगा। दूसरी बात, अंदर वाला यूज़ हुआ ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी बात हाईली पैरा मैग्नेटिक के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है, बाकी कुछ चीज़ें तो नहीं बतानी होती ना इसमें, नहीं तीन चार चीज़ें ही होती, ये हमने बता दी है, ठीक है, गुड, ठीक है। तो हाईली पैरा मैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, लो स्पिन है, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ इनर वाला हमेशा लो स्पिन ही होगा ना, तो स्पिन इसकी कमी होगी, चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लो स्पिन ही होगा, पैरा मैग्नेटिक तो है बट अंदर वाला है, इसलिए लो स्पिन का होगा, बाहर होता तो ज़्यादा स्पिन का होता, बाकी किसी में गलती तो नहीं थी, पहले वाले में हमने क्या लिखा, लो स्पिन ही लिखा था ना, या हाई स्पिन लिखा था, स्लाइडली पैरा मैग्नेटिक था ना वो भी, और इनर वाला था वो भी, Fe CN होल 6 3 माइनस, अगर Fe CN होल 6 3 माइनस में हाई स्पिन लिखा हुआ तो उसे भी लो स्पिन कर देना, वो भी लो स्पिन होगा, जहाँ पे भी इनर ऑर्बिटल आएगा वो लो स्पिन होगा, ठीक है। यह तो ये सारे हमने कर लिए, अब इसके बाद क्या है, अब हमें करने एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये हमने सारे ऑक्टाहेड्रल देखे, अब हम देखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं, टेट्राहेड्रल में चार ही बनाने पड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप क्या है, तो एग्जांपल ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फिर हम स्क्वायर प्लैनर देखेंगे, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर चार के देख रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर चार में दो आते हैं ना, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, बाहर वाला होता है sp3, और स्क्वायर प्लैनर में थोड़ा सोचना पड़ेगा dsp2 होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो इसका, पहला एग्जांपल फर्स्ट, निकल टेट्राकार्बोनिल NiCO होल 4, और यहाँ लगा देंगे कितना, बस इतना ही, वैलेंसी जीरो होगी यहाँ पे, और CO हम मान लेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। निकल का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कितनी आ जाएगी, X+4 × 0, को कार्बन मोनोऑक्साइड की जीरो होती है, इज़ इक्वल टू 0 0, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही लिगेंड बॉन्ड बना लेगा, है ना, ये ग्राउंड स्टेट में ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं किसके, निकल की, एटॉमिक नंबर 28 किस में, ग्राउंड स्टेट में,
ग्राउंड स्टेट में निकल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, याद होगी आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 हो गया, और 3d8। ठीक है, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 20 और 8 28, 4s2 3d8 है, बाकी देख लेंगे। 4p की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खोल लेंगे, है ना, खोल के रखना है तो खोल के रख लो, कोई नहीं। 4p0 हमने खोल दिया है, 4s 3d बना लेते हैं यहाँ पे, 3d 1 2 3 4 5 3d हो गया, देख रहे हैं, गुड, 3d हो गया। फिर यहाँ बना लेते हैं 4s, और यहाँ 4p बना लेते हैं। 4s में 2 हैं, 3d में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब निकल जीरो में ही जाएगा, यहीं पे करना है। तो अगर हम देखें अब निकल टेट्रा कार्बोनिल को, CO होल 4 को, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है क्योंकि CO, तो बोलेगा पेयर अप हो जाओ, क्या हो जाओ, पेयर अप हो जाओ, इनको बोलेगा ना वो, क्या हो जाओ, पेयर अप हो जाओ, क्लियर है बात, पेयर अप हो जाओ। तो पेयर कैसे होंगे, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ पेयर कैसे होंगे। देखो ये तो चल ही रहा है ना, यहाँ 4s है और यहाँ 4p है, तो पेयर कैसे हुए, इसका ठीक है, इसका भी ठीक है, पेयर अप का इसका भी ठीक है, ये यहाँ कूदेगा, ठीक है, और ये दोनों भी इधर ही कूद जाएंगे, जब ये जगह छोड़ देगा ना इधर, तो ये दोनों भी इधर कूद जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी पेयरिंग करनी है, बीच में कोई जगह मत छोड़ना आप लोग, आई बात समझ में, बीच में आप लोग कोई जगह मत छोड़ना, ऐसी पेयरिंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, इंक फ्लो हो रही है, जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। मैंने क्या बोला, ये यहाँ चले जाएगा तो यहाँ खाली जगह बच जाएगी, वहाँ पे ये दो आ जाएंगे, तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, अभी भी 10 ही हैं। ठीक है, अब ये खाली जगह बच गई, इनमें CO आ जाएंगे, CO 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 CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया, ये ग्राउंड स्टेट में ही हो गया। आप ये देखें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना होगा, 0 होगा, तो ये होगा डायमैग्नेटिक। अब एक सिंपल सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, एस भार वाला यूज़ करा और पी भी भार वाला यूज़ करा, sp3 होगी, टेट्राहेड्रल होगी, तो ये कौन सा होता है, आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल, यहाँ ऐसा नहीं होता कहीं, वो ऑक्टा में होता है। ठीक है, ऑक्टा में होता है, आउटर इनर यहाँ पे नहीं होता ऐसा, यहाँ पे बस इतना लिख देना, बात बन जाएगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नहीं होता इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल वो वहाँ होता था, क्योंकि वहाँ डी के अलग कॉन्फ़िगरेशन होती थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल है Zn NH3 होल 4 2+ आयन, यह है, और कीप इन माइंड NH3 होल 4 यहाँ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के जैसे एक्ट करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं किसके, जिंक की, जिंक को माना X+4 NH3 का 0, और यहाँ पे हो गया +2, तो X की वैल्यू आ गई प्लस का 2। जिंक होता है एटॉमिक नंबर 30, ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, पूरे हो गए, 6 7 8 9 10 हो गए, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 हो गए पूरे, है ना। तो हम दिखा देते हैं 3d10 यहाँ पे, ये यह होगा 3d10, थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 3d10, ऐसे बनाया 1 2 3 4 5, फिर बनाएंगे 4s2 यहाँ पे, और 4p भी खोल लेते हैं, 4p0 4p यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो 4s में कितने हैं, 2 हैं, 4s में 2 हैं, d में 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेगेंड है, ये बोलेगा पेयर अप हो जाओ, कहाँ पेयर करोगे, पेयर तो सारे हैं ही ना, कहाँ पेयर करोगे, कहीं नहीं पेयर कर सकते, पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा, Zn+2 में, Zn+2 में सब ऐसी रहेगा, बस यहाँ पे क्या आएगा, 4s 0 आएगा, 3d 10 आएगा, 4p 0 आएगा, क्लियर हुआ, ये चीज़ 0 हो जाएगी, सबसे बाहर यही है, ये चीज़ 0 हो जाएगी Zn2+ में, तो आप पे क्या आएगा, 3d का इस वाले का,
एक दो तीन चार पाँच, ये तो ऐसे रहेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फोर एस खाली हो जाएगा, फोर पी भी क्या है खाली है। बट जब बात इस चीज़ की आएगी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चार एन एच थ्री लाने, तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन की बात आएगी, सैटन एन एच थ्री होल फोर और यहाँ पे कितना है टू प्लस है, तो होगा क्या इनमें ही पाँच आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, दो दो, ठीक है। यह है आपका 3D, यह आपका 4S, 4P, ठीक है। तो होगा क्या D में तो पहले भरे हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 4S में NH3 आ जाएगा यहाँ पे लोन पेयर फॉर्म में, NH3 यहाँ पे भी आएगा लोन पेयर फॉर्म में, NH3 यहाँ पे भी आएगा लोन पेयर फॉर्म में, NH3 यहाँ पे भी आ जाएगा लोन पेयर फॉर्म में। तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन देख पाओगे, इसमें लोन पेयर जीरो हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जीरो, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन आप लिख सकते हो यहाँ पे एफ अंदर का पी तीन, एफ बाहर का पी तीन बी बाहर का, और क्या लिखोगे यहाँ, बस इतनी चीज़ें लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक एस पी थ्री हाइब्रिडाइज है, इतना याद रख लोगे, गुड। चलो ठीक है, देख लो फिर नेक्स्ट बताता हूँ। थैंक यू।